वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th पार्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। दोस्तों यह आपके सिलेबस केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। दोस्तों ये इस चैप्टर में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर को हम केमिस्ट्री के व्यू से पढ़ेंगे ही, साथ में आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर पढ़ेंगे। इसीलिए दोस्तों इस चैप्टर में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि दोस्तों एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को अपने लाइफ में डेली लाइफ में इतना यूज करते हैं दोस्तों कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम कौन से एसिड्स का यूज करें, कौन सा बेस का यूज करें, कौन सा साल्ट्स का यूज कर रहे हैं। दोस्तों इस चैप्टर में जानेंगे कि कौन सा एसिड्स है, कौन सा बेस है और कौन सा साल्ट्स है। दोस्तों सबसे अच्छा दोस्तों इस चैप्टर को हम आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को लेकर समझाएंगे। दोस्तों पहले आप सभी को हम फ्रूट्स खिलाएंगे, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्वावा हो गया, लेमन हो गया, ये सब खिलाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है एसिडिक नेचर्स होता है। सर कहेगा सर आपने हमें तो इतना एसिड खिला दिया कि पेट में एसिडिटी हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, इनो ले लीजिए, 6 सेकेंड्स में एसिडिटी को दूर कर देता है। दोस्तों बात आती है उस इनो में रहता क्या है, उस इनो में बेस रहता है। यदि आपने इनो नहीं ले रहे हैं, यदि आपने कोई बेस भी ले रहे हैं तो आपका एसिडिटी कम हो जाएगा। अब दोस्तों अब बोलिएगा सर अभी भी जलन हो रही है तो दही ले लीजिए। दही भी क्या है दोस्तों, बेस तो नहीं, एक एसिडिक का है वो, यदि एसिड एसिड को काट देगा उससे भी क्या होगा एसिडिटी कम हो जाएगा दोस्तों। नहीं तो हमारा सबसे अच्छा इनो तो है ही जो कि एक बेस है। अब दोस्तों आप लोग अपने कपड़ा को क्या करते, धोते होंगे वॉशिंग निरमा पाउडर से। दोस्तों कभी जानने का कोशिश किया कि वो है क्या? दोस्तों वो है एक बेस, सॉरी वो है एक दोस्तों साल्ट है। जो आप वॉशिंग पाउडर्स का यूज करते हैं दोस्तों वो क्या है, एक सॉल्ट है। दोस्तों आप लोग स्नान करने से साबुन, लाइफबॉय, बहुत डिफरेंट तरह के साबुन का यूज करते हैं दोस्तों, वो भी साबुन क्या है दोस्तों, वो ना ही बेस है ना ही एसिड है, वो बेसिक सॉल्ट है, मीन्स उसमें बेस भी है और सॉल्ट भी है। दोस्तों आप लोग सभी बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट का सबसे फेवरेट डिश, सबसे बारी का फेवरेट डिश पानी पूरी। दोस्तों पानी पूरी तो हर कोई खाया होगा, लेकिन कोई ये कोई जानने का कोशिश नहीं किया कि उस पानी पूरी के पानी में एसिड रहता है, कौन सा एसिड रहता है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम तो जैसे वीडियो लेक्चर भाई आएंगे उसमें बताएंगे। दोस्तों उस पानी पूरी में भी एसिड रहता है, इसका कैसे जानकारी आप लोग ले सकते हैं? दोस्तों आप लोग पहले पानी पूरी खाते होंगे तो उसमें प्लेट्स में देते होंगे, प्लेट्स में देते होंगे तो आप लोग डिस्पोजल का डिमांड करने लगे। भाई क्यों डिस्पोजल का डिमांड किए? क्योंकि दोस्तों आप बोलते थे कि प्लेट पर पीला पीला आ जा रहा है, मीन्स आप ठेला वाला को बोलते थे आप प्लेट अच्छा से नहीं धोते। अरे बाबा वो क्या करे, वो एसिड आ जाता था उस पर। दोस्तों ऐसे ही डेली लाइफ में बहुत सारे एसिड का यूज करते हैं। आप सुबह सुबह टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट, वो भी क्या है दोस्तों, एक बेस है। अब बोलिएगा सर हम तो प्रचार में देखे थे कि टूथपेस्ट में नमक होता है, वो एक एडिशनल कंपाउंड से, लेकिन वो बेस ही होता है। इसीलिए दोस्तों हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का यूज करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कौन सा एसिड, कौन सा बेस और कौन सा साल्ट है। दोस्तों आज हम जान लेते हैं इस वीडियो का, इस चैप्टर का आज इंट्रो वीडियो है। इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्लान के तहत, स्ट्रेटजी के तहत समझेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग एक कहावत सुने होंगे, ए फुलिश मैन विथ प्लान कैन बीट ए इंटेलिजेंट मैन हैविंग नो प्लान्स। एक मूर्ख व्यक्ति भी एक बुद्धिमान व्यक्ति को हरा सकता है यदि मूर्ख व्यक्ति के पास प्लान हो तब। इसीलिए दोस्तों स्टडी कीजिए तो प्लान के साथ कीजिए, क्योंकि प्लान रहेगा तो स्टडी बेस्ट होगा। दोस्तों हम अब जान लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना किन किन टॉपिक्स को है। दोस्तों मेरा पहला टॉपिक होगा बेसिस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। बेसिस क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का? दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है, इस चैप्टर में ये जानना है। दोस्तों हमने सॉफ्ट टॉपिक्स नहीं लिखे हैं क्योंकि इस टॉपिक के अंदर सॉफ्ट टॉपिक्स बहुत पढ़ने हैं, जैसे इंडिकेटर होगा, इंडिकेटर के तहत पहचानेंगे कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है, और ये भी जानेंगे कि हम इसके पहले कैसे पहचानते थे लोअर क्लास में। दोस्तों एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर आपके लिए न्यू चैप्टर है, आपने ना ही 8th में पढ़ा ना ही 9th में पढ़ा है। आपने पढ़ा कब था तो एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स आपने 7th में पढ़ा था। अब जिन्हें याद है 7 की बात तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है उन्हें भी अच्छी बात है, पढ़ लेंगे फिर से। दोस्तों तो इस बेसिस ऑफ एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में हम जानेंगे कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट्स है, इंडिकेटर्स, बहुत सारे सॉफ्ट टॉपिक्स इसमें जानने हैं। नेक्स्ट दोस्तों होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड एंड बेसिस का? दोस्तों थर्ड है
द पीएच स्केल, इस पे देखें दोस्तों डबल टिक है, मींस ये आपके बोर्ड एग्जाम्स या उस स्कूल्स के कोई भी इंटरनल एग्जाम्स में आपके इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चंस अवश्य रहेंगे। पीएच स्केल्स, कोई भी केमिकल सबस्टांस का पूछ दिया जाएगा, पीएच स्केल क्या बताइए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट होगा सम इंपॉर्टेंट साल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे दोस्तों बेकिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, ये सब सॉल्ट ही है दोस्तों। आप लोग दोस्तों बचपन में किसी न किसी का हाथ तो फ्रैक्चर हुआ ही होगा, यदि फ्रैक्चर हुआ होगा तो उस पर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों वो भी एक सॉल्ट है। अब आप लोग उस समय सोचते होंगे अरे यार ये क्या था कि इतना हार्ड हो जाता था, वो कुछ नहीं दोस्तों पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक होगा आर ऑफ द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई, कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो ड्राई होते हैं, और इस टॉपिक में हम एक हाइड्रेटेड पढ़ेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट दोस्तों। आप जहां भी हाइड्रेटेड वर्ड जान लीजिए, केमिस्ट्री में तो हाइड्रेटेड वर्ड आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा होगा और हमने पढ़ाया भी है, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाइड्रेटेड का मीन्स होता है कोई भी केमिकल सबस्टांस में वाटर का प्रेजेंट होना, वही दोस्तों क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इन चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है और इन सभी टॉपिक के सब टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम इस चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स को एक एक कर पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा आएगा बेसिस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे आएगा, जो कि इंडिकेटर्स पे बेस्ड रहेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।